अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली क्लास ओरिएंटेशन बैच है हमारा एस एंड प्रेसी का। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो प्रेसी का पेपर है उसका सीक्वेंस क्या है। बेटा उसके सीक्वेंस में सबसे पहले आते हैं आपको 20 नंबर के एमसीक्यूज, जिसमें सिनोनियम और एंटोनियम्स दिए हुए होते हैं। उसके बाद प्रेसी का सवाल होता है 20 मार्क्स का, कॉम्प्रीहेंशन 20 का होता है। इसके अंदर चार सवाल होते हैं पाँच पाँच नंबर के, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन आती हैं आपके पास पांच होती हैं, हर एक का दो नंबर होता है, ठीक है। पंक्चुएशन एक पैराग्राफ होता है। प्रिपोजिशन आपके पास आठ नौ गिवन होती है, पांच करनी है। पेयर ऑफ वर्ड्स आपके पास क्या होते हैं, जैसे आपके पास एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है ना, ऐसे लिखा हुआ होगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब आपने इनके जुमले बनाने, ठीक है, उसके आपको मिलेंगे 10 नंबर। और आखिरी में आती है ट्रांसलेशन, स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रांसलेशन आपके पास है 10 नंबर की। ये है पेपर का लेआउट। आपको पासिंग के लिए चाहिए 14। तो देखने से तो आसान लग रहा है कि किसी भी तरीके से 40 इसमें आ जाएंगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जो हमारा एग्जामिनर है वो हाथ खींचता है इन पेपर्स के अंदर। मतलब वो फ्रीली 85, 65, 90, 70 ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको इसमें। इसमें बहुत लग लग के बच्चा पास होता है, उसका रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन उसका यह है कि जो 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं वो हमें नहीं पता कि वो किधर से देगा। उसके लिए बड़ी मिथ्स होती हैं कि जी जीआरई की वर्ड लिस्ट रट लो, डॉन कर लो, ये वो, ये तो फजूल की बात है। ये एग्जामिनर अपने हिसाब किताब से उठा के इसमें डाल देता है, और ये कहीं से भी करने का कोई फायदा नहीं होता इसमें। अगर आप ना भी पढ़ें तो 5 से 6 या 7 नंबर आप निकालेंगे इसमें, ठीक है। 13 आपके यही चलेगा। फिर बच्चा जो है वो यही समझता है कि जी प्रेसी फेल तो मेरा सब फेल, तो वो प्रेसी के पीछे लग जाता है। और फिर उसे बाद में एहसास होता है कि प्रेसी भी उसे कोई 5 से 7 नंबर ही दे रही है, उससे ज्यादा नंबर उसके आ भी नहीं रहे प्रेसी में। तो एक ये मसला। फिर जो है स्टूडेंट, क्योंकि पूरा टाइम प्रेसी प्रेसी और वोकेबलरी रटने में लगा देते हैं, उसके बाद जब बारी आती है इसकी प्रीपोजिशन की, सेंटेंस करेक्शन की, कॉम्प्रीहेंशन की, तो स्टूडेंट्स इसको तैयार ही नहीं करते। पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं जी पास पेपर से रट लेंगे, हुआ तो हुआ वरना कोई बात नहीं। तो इन शॉर्ट जो प्रेसी के पेपर में फेलियर होता है बच्चे का, वो उसकी अपनी निग्लिजेंस की वजह से होता है। उसने अपना सारा टाइम उन चीजों के ऊपर लगा दिया जो कि ऑफ नो यूज थी। अगर तुम्हें कोई शख्स मिल रहा है और वो तुम्हें कहता है कि तुम जीआरई की 5000 वर्ड लिस्ट याद कर लो, तो बेटा तुम 5000 वर्ड याद कर ही नहीं सकते। ये गलत गाइडेंस है। कोई कहता है कि जी प्रेसी की प्रैक्टिस करो, आर्टिकल्स करो, डॉन के निकालो, भाई ऐसे नहीं करना होता। पहले गो फॉर 40 यार, पहले 40 निकाल के पेपर तो सिक्योर करो अपना। अब मैं बताता हूँ आपको कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखो हर टीचर की स्ट्रेटेजी अलग होती है। कोई रिकमेंड करेगा सुबह सुबह बैठ के डॉन पढ़ो, मैं मना करता हूँ, ठीक है। तो सीएसएस की जर्नी में जब भी आप आते हैं, अपना मेंटोर अपना टीचर एक रखें बस। आप 10 लोगों से बात सुनेंगे, 10 मशवरे मिलेंगे, कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है। अब मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ इसको, तो पहले मैं करवाता हूँ सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसको सीख के पूरे 10 में से 10 नंबर निकाले जा सकते हैं। और जब तुम सेंटेंस करेक्शन सीखते हो तो तुम्हारा रिटर्न भी अच्छा हो जाता है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। फिर साथ साथ में बच्चों को कहता हूँ आप पेयर ऑफ वर्ड्स याद करें, और कहीं कोई बुक बुक से नहीं करना, ये पास पेपर से करना है। चलो 10 नहीं तो 8 तो आ ही जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर बच्चों को मैं सिखाता हूँ प्रीपोजिशंस होती क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 5 नंबर एग्जैक्टली आप प्रीपोजिशन में उठा सकते हो। चलो 5 ही तो कम से कम आप 4 तो कर ही लोगे। फिर पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन बहुत आसान होती है, बस इसका कंसेप्ट आपने समझना है पंक्चुएशन का, और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने करनी होगी ट्रांसलेशन की, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया ना कॉम्प्रिहेंशन, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको आराम से 10 12 14 नंबर देगा आराम से। कॉम्प्रिहेंशन आपको नंबर देगा, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा तैयारी का।
जब हम प्रेसी की बात करते हैं तो बेटा प्रेसी जो तुम लिखते हो वो 15 नंबर में से काउंट होती है, और उसका जो टाइटल है वो 5 में से होता है। लेकिन फिर भी प्रेसी में आपको 6 7 नंबर मिलते हैं, इससे ऊपर आपको नहीं मिलते। और एमसीक्यूज तो कहीं से भी उठ के आ जाएंगे। तो अगर मेरी मानो आप प्रेसी और एमसीक्यूज को आप बिल्कुल आखिरी में रखो, मतलब प्रेसी सीख लो, प्रेसी की प्रैक्टिस भी करो, लेकिन इन 40 मार्क्स को रखो आखिरी के लिए, क्योंकि इन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। 2021 के पेपर में अगर आप उसको खोलें तो उसके अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज ही देख लें ना, तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। एक या दो आते होंगे, बल्कि वो भी नहीं आएंगे। तो 2021 के एमसीक्यू जैसे एमसीक्यूज आ गए तो तुम नहीं निकाल पाते, प्रेसी आ गई मुश्किल तो वो नहीं हो पाएगी, ट्रांसलेशन में पहले ही वर्ड समझ में नहीं आ रहा था उसके, तो कम से कम 50 नंबर का पेपर तो ऐसा था जो कि हमें आ ही नहीं रहा था। तो अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से तैयारी करता है तो वो अपने आप को, सॉरी टू से, वो कुल्हाड़ी मार रहा अपने पाँव पे। तो हम इस तरीके से तैयारी करते हैं, इनके लेक्चर्स होते हैं, इनके जो है वो पीडीएफ्स होते हैं, और इनकी ना मैंने क्लासेस को डिवाइड किया हुआ है। जैसे सेंटेंस करेक्शन की आपकी 2 क्लासेस होंगी। 2 क्लासेस कैसे? एक के अंदर आपको जनरली बताया जाएगा और एक क्लासेस में प्रॉपरली आपको रूल सिखाए जाएंगे, और साथ साथ इवेल्यूशन होती है पास पेपर्स की। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स डेली का काम है, उसको अपने डेली कैसे सॉल्व करना है पेयर ऑफ वर्ड्स को। फिर जब हम सेंटेंस करेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, हर बच्चे का टेस्ट हो जाएगा, तो हम मूव करेंगे प्रीपोजिशंस पे, फिर पंक्चुएशन, कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। हम करते करते अपने जो भी हमारे डिजाइंड हैं 10 15 18 लेक्चर जो भी हैं, लेक्चर्स भी हो जाएंगे और हमारा सारा भी काम कंप्लीट हो जाएगा। सही हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया हमारा लेआउट। इसकी रिसोर्सेज में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, बहुत सारी ग्रामर की बुक्स ले लेते हैं और अल्टीमेटली एक भी नहीं पढ़ पाते। ठीक है, एक किताब है एसटी इमाम की, ब्रश अप योर इंग्लिश, ले सकते हो, ले लेना, पीडीएफ अवेलेबल है, नहीं ले पाओ कोई मसला नहीं है। आपके पास पास पेपर्स में 1971 से आपके पास पास पेपर अवेलेबल होंगे इसके, उसकी सेंटेंस करेक्शन कर लो, उसके पेयर ऑफ वर्ड्स करो, उसी के इडियम्स हैं, ठीक है, उसी की ट्रांसलेशंस कर लो, यकीन करो ये इनफ है काम। मतलब सिर्फ पास पेपर्स अगर आप कर लें तो वो भी इनफ है आपके लिए। और यूट्यूब के मैं 1 से 2 चैनल्स आपको रिकमेंड कर दूंगा, और उससे बेनिफिट ये होगा कि ऑन डेली बेसिस, मैं तो पढ़ा ही रहूंगा आपको, लेकिन ऑन डेली बेसिस आपको उसमें से अपडेट मिलती रहेंगी, और आप जो है वो अपना अच्छा प्रेसी का पेपर निकाल सकते हो। सो ये हमारा एक कुछ तरीकेकार रहेगा इसको पढ़ने का।